हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। यहाँ मेरे सारे किचन के काम ख़त्म हो चुके हैं, जैसे कि मैंने किचन साफ़ कर दिया है, गैस साफ़ कर दिया, और ये मेरी इलेक्ट्रिक केटली है जो मैंने साफ़ कर दिया है, वो बिम्बर और उसका खुज्जा लेके और काफ़ी अच्छी तरीके से उसको क्लीन किया। पूरे फोर में मैंने अच्छे से क्लीन किया है और गीले कपड़े से पोंछ दिया है। लाइट चली गई यहाँ पर, तो कहने का मेरे मतलब जैसे कि वेंटिलेशन नहीं है यहाँ पे किचन में, तो जैसे कि सब्जी की छौक हो तो यहाँ पे सारे दाग लग जाते हैं, तो मैं कुछ इस तरीके से क्लीन कर देती हूँ। काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो गया। ऐसे भी मैं हम लोग धुल नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक जग है तो ख़राब हो सकता है। और यहाँ फ्रूट प्रोसेसर को मैं ऐसे ढक के रखती हूँ ताकि तेल कुछ भी लगे तो यहाँ पर लगे। वेंटिलेशन का रास्ता नहीं रहता है तो आपके जैसे कि प्लेटफार्म पे या फिर डिब्बों वब्बों में सब तेल चिपकता है। तो यहाँ 7:30 हो रहा था और मेरे जैसे अब मॉर्निंग में मैं 5:00 उठी थी और बहुत सारे काम मैंने किया, जैसे चाय बना के पीना और किचन क्लीन करना, और उसके बाद मैं चाय पीने के बाद योगा करती हूँ। योगा करने के बाद से मुझे याद आया कि चलो मैं वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ मॉर्निंग से ही। और ये मेरा टेडी बियर, कल मैंने इसकी सफाई की थी और काफ़ी अच्छे से, मतलब पहली बार मैंने इसे धुलाई, इतने टाइम आने के इतने मतलब 3-4 सालों में पहली बार इसकी धुलाई मैंने की है और काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया। यहाँ पे बाहर ही मैंने रखा, झूले पे ही रख दिया है और यहाँ गर्मी इतनी है कि सूख जाएगा धीरे धीरे। और ऊपर मैंने मंकी टंगा रखा है क्योंकि ये मेरी बहन ने दिया था और ये मैंने टेडी बियर मैंने ख़रीदा था, तो बेटी की पसंद से मिस सृष्टि को बहुत पसंद था। और ये है, यहाँ पर मैंने धनिया लगाया हुआ, तो धनिया उग रहा है। और तो चलिए अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। इतना करने के बाद से मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ अर्ली मॉर्निंग। मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप अपने मॉर्निंग रूटीन दिखाइए, तो जब मैं उठी सुबह तो मुझे इतना काम करने के बाद, जितना बोल रही हूँ इतना काम करने के बाद मुझे याद आया कि चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। और झाड़ू आज मैं पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने जल्दी हमने झाड़ू लगाना, मतलब जल्दी उठ जाइए तो जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं कि मेरे काम ख़त्म हो जाए। और यहाँ ये मेरा पावदान है, काफ़ी भारी है, तो यहाँ हाथ में मैंने मोबाइल ले रखा है, तो जिसकी वजह से अब मैं किनारे रख दूँगी और इसे मैं झाड़ लूँगी अच्छी तरीके से। और पावदान को झाड़ने के बाद से पूरा क्लीन हो चुका है मेरा ये सारा एरिया, और पोछा मैंने नहीं लगाया क्योंकि आज थर्सडे है। और ये है मेरा किचन में मैंने बनाया हुआ है था, तो ये लाइट आ गई, लाइट आ रही है, धुल दिया था मैंने, अब साफ़ हो गया है, तो इसे मैंने किचन में रख दिया है सूखने के बाद से। तो ये सोफे का वो है, उससे मैंने बनाया हुआ था और काफ़ी अच्छा रहता है। और उसके बाद से मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ अपना वॉश बेसिन, और ये एक काम रहता है सृष्टि का, तो 2 दिन से उससे कहा जा रहा है, लेकिन वो उसका बिल्कुल पता नहीं क्यों मन ही नहीं लग रहा किसी काम में। तो मैंने कहा चलो मैं ही कर देती हूँ, अब मैं उठ गई हूँ तो सारा काम। वाकई अगर मॉर्निंग आप उठ जाइए तो बहुत सारे काम आपके हो जाते हैं, और मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं मॉर्निंग उठ जाऊँ, पर ब्लॉग मैंने आज ही बनाना शुरू किया है क्योंकि बीच में एकदम इच्छा नहीं होती थी मेरी, क्योंकि जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो इच्छा नहीं होती है। लेकिन फिर किसी ने कहा कि सब्सक्राइबर ने कहा कि आप अर्ली मॉर्निंग रूटीन दिखाइए अपना, और ये सारे बर्तन मैंने रात को ही क्लीन कर दिया था, थोड़े से बचे हुए थे बर्तन, जैसे कि बाद में बच्चे लेट खाते हैं तो वो सारे मैं धुल लूँगी, थोड़े ही बर्तन हैं। तो यहाँ मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने ड्रेस ही कुछ इस तरीके का पहना हुआ है कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब हम वीडियो बनानी है तो बनानी। फिर एक सब्सक्राइबर कहा था आप बर्तन मांजते हुए क्यों दिखाती हैं, तो आप बताइए कि मॉर्निंग रूटीन में तो यही सारे काम होते हैं, तो यही सारी चीज़ें ही दिखाई जाएंगी, मतलब आप मॉर्निंग से क्या क्या करती हैं, तो यही है। तो थोड़े से बर्तन बच गए थे तो मैंने कहा, और बड़ा अच्छा लगता कि जब आपके किचन क्लीन रहता है और किचन के सारे काम हुए रहते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो यहाँ मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं और मैं रख दूँगी, और बाद में मैं लगाऊँगी इसको बर्तन को, ऐसे ही अभी रख दूँगी मैं। और उसके बाद से मैं थोड़ा सा बाल पर खुले, रात में को मैंने मेहंदी लगाया था अपने बालों में, तो अभी तेल लगाऊंगी इस पर। और ये देखिए 8:30 बजे तक काम मेरा ख़त्म हो चुका है और बिल्कुल मैं नहा चुकी हूँ, नहा के एकदम तैयार हो गई हूँ। और आज मैंने पहनी है साड़ी, और ये मेरी मम्मी ने दिया था साड़ी, और कुछ इस तरीके का है। यहाँ फ्लावर बना है बीच, और नीचे जो है वो चेक है,
तो ये मेरी मम्मी ने दी और ये भी मेरी मम्मी ने दिया था, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या मेरी मम्मी ने दिया था। और अगर आप फुल वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मम्मी ने क्या क्या दिया था। और जो मैंने वॉश बेसिन के पास रखा हुआ है पोंछने के लिए, पानी सूखने के लिए, वो भी मेरी मम्मी ने ही बना के दिया था। और तो बस सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, मैंने कहा चलो दिया जला लेती हूँ। तो आपने देखा आज मेरा मॉर्निंग रूटीन, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। और मेरी सब्सक्राइबर कहती हैं कि बहुत जल्दी जल्दी बोलती हैं, तो हाँ वही होता है, कभी कभी जल्दी बोलो तो जल्दी जल्दी बोलो तो जल्दी जल्दी लगता है, धीरे बोलो तो लगता है कि बहुत सुस्त वीडियो जा रही है। पर वीडियो मुझे बनानी है तो मैंने कहा चलो करती हूँ मैं। और होता है कि आप जितना भी कोशिश कर लीजिए कुछ अलग तरीके से दिखाने के लिए, नहीं हो पाता, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही आप दिखा पाएंगे अपने आप को। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है और उसके बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ। और यहाँ देखिए ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी आपको, यही है, यहाँ समस्या बहुत सारी है। तो चलिए फिर भिंडी काट लेती हूँ। यहाँ ये वाले हैं जो बाहर से खाना मंगाइए तो उसमें देता है, तो ये प्लास्टिक में मैं रखती हूँ यहाँ पे, जैसे कि छिलके वगैरह या फिर कोई भी जैसे किचन का आलू वेजिटेबल का छिलके विलके निकलते सारा मैं इसमें रखती हूँ और फिर डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो यहाँ मैं ये बोल रही थी कि पीछे मैंने जो लगाया हुआ है यहाँ पे वॉलपेपर लगाया हुआ है, वो मैंने वीडियो में एक वीडियो बनाया हुआ, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो ये है वॉलपेपर का ही वीडियो, और ये काफ़ी अच्छा है, इसे गीले कपड़े से पोंछ दीजिए तो अच्छे से सूख भी जा रहा है और बिल्कुल उतर नहीं रहा है, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है ये। तो आप लगा सकते हैं, अगर चाहें तो आप लगा सकते हैं अपने किचन में या कहीं भी जहां आपको। यहाँ मेरी सब्ज़ी कट चुकी है और तेल गर्म हो चुका है, तो चलिए इसमें आलू भी मैं डालूँगी। तो आलू मैंने डाल दिया है, आलू थोड़ा सा होने के बाद से मैं डालूँगी इसमें। जो मैंने कट किया है भिंडी, वो मैं भिंडी डाल दूँगी। और बच्चों की फेवरेट है, मतलब मिस्टी की फेवरेट है, तो मिस्टी आज कॉलेज गई नहीं, तो मैंने कहा चलो आज उठ गई हूँ तो मॉर्निंग रूटीन भी दिखा देती हूँ और आपका जो है कि सारे काम भी कर। लाइट आती रहती है, वही दिखा रही थी, लाइट चली गई। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी लगभग तैयार होने को है, तो तैयार हो चुकी है। तो चलिए मैं बाहर आ गई हूँ, यहाँ मैं अपडेट दे रही हूँ अपने मनी प्लांट का, जिसमें कि काफ़ी अच्छे से पत्ते आ रहे हैं, काफ़ी नए नए पत्ते आ रहे हैं, जिसको देख देख के मेरी एकदम बहुत ही अच्छा वाला फील हो रहा है मुझे। और यहाँ दूध भी आ चुका है, तो दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है 1.5 लीटर के अराउंड। और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है यहाँ पे, तो फिर मैं आटा लगा लूँगी। अब मैं थोड़ा सा ही आटा गूँथूँगी, बहुत ज़्यादा कोई खाने वाला नहीं है, 2 से 3 रोटियाँ ही सुबह लोग खाते हैं, रोटी सब्जी यही मेरा ब्रेकफास्ट होता है। कभी कभी हम लोग पोहा वगैरह बना लेते हैं, जल्दी जल्दी रहता है, लेकिन आज जो है कि ये था कि चलो भिंडी की सब्ज़ी, जब जैसा जो बन जाए, जैसे ईजी लगे, कभी चीला बन जाता है तो मिर्ची चीला वाला बना लेती हैं, काफ़ी अच्छा। तो आज ये लोग सो रही थी तो मुझे लगा चलो मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि लेट नाइट ज़्यादा देर तक जगती हैं तो सुबह नींद नहीं खुलती है, और मैं इनके साथ ही उठ जाती हूँ, बिकॉज़ इनको कहीं बाहर जाना था काम से, ये जब नहा रहे थे सुबह 5 बजे के लगभग, तब मेरी नींद खुली तो फिर मैं उठ गई थी। और आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरा मॉर्निंग रूटीन का। 9:00 हो गया है, मेरे सारे लगभग सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, पोछा मैंने नहीं लगाया क्योंकि आज थर्सडे है। और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ, जैसे कि हस्बैंड आ चुके हैं, उनको खाने के लिए चाहिए, तो मैंने कहा चलो रोटियाँ भी। और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही, आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मम्मी ने मेरे क्या क्या दिया और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आई होप मेरे सब्सक्राइबर खुश होंगे जिनकी ये फरमाइश थी कि मॉर्निंग रूटीन दिखाइए। तो चलिए मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, और आप लोग भी आ जाइए नाश्ता कर लीजिए। तो चलिए।